अब मुझे बताओ इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुरा करने वाले को दंड मिलता ही है। बिल्कुल सही, लेकिन ये तो मगरमच्छ की बात हुई। करवा की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन के भवसागर में जब करवा के पति को दुख और चिंता ने पकड़ लिया था, तो करवा के पुण्य और उसके पतिव्रता ने उसके पति को ना सिर्फ चिंता और दुख से मुक्त करवाया, बल्कि उसे लंबी आयु भी दिलवाई। देखा मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। आज 27 पर तो चांद निकलने वाला था ना, क्या हो गया उसे? ये चांद भी कब निकलेगा और कब पेट में कुछ जाएगा? ये भाई आज चांद के बड़े ठाट होते हैं। अब इतनी सारी खूबसूरत औरतें सज धज के उसका इंतजार करती हैं, तो वो भी तो थोड़ा इतराएगा ना। अरे दीपिका, बिटिया राधिका कहाँ है? उसे भी तो करवा बदलने की रस्म करनी है ना। वो बाहर है, हम अभी बुला लाएं। नहीं दीपिका, देखी राधिका ये रस्म अगले साल शादी होने के बाद करवा चौथ में निभाएगी। मैंने मंगलसूत्र दिया था ना रखने के लिए, वो देना जरा। हाँ, यही रखा था कुर्ते की जेब में, लेकिन रखा तो यही था मतलब? अरे मुझे नहीं संभाल सकते ना सर, कम से कम मंगलसूत्र तो संभाल के रख सकते थे। हम सब तो यही सोचेंगे ना कि मैं किसी औरत करवा चौथ के दिन मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना, कोई नहीं सोचेगा कि मेरा तो पति ही ऐसा है। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ भाभी, आप इस बात का इशू क्यों बना रहे? एक्सक्यूज मी, बड़ा इशू नहीं है ये। मेरे गले में आज के दिन अगर मंगलसूत्र नहीं था, तो इस पूजा का इस व्रत का मतलब क्या रह जाएगा? और खोया किसने? मेरे पति ने, जिसके लिए सुबह से भूखी प्यासी बैठी। वृंदावन वाले घर में कुछ गहने पड़े हैं, देखना उनमें मंगलसूत्र भी होगा। मैं अभी जाकर लेकर आ। किसी से कुछ कहिएगा। हाँ, बोलती तो इस घर में सिर्फ नहीं हूँ। देव, बेटा चांद निकलने वाला है। फिक्र मत करी दादी, मैं आ जाऊं। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मंगलसूत्र आकर गया कहां? चांद आ गया, चलो चलो जल्दी से पूजा कर लो, वरना फिर से गहरे बादल के पीछे छुप जाएगा। लेकिन जीजी, आपका मंगलसूत्र अब नहीं आया तो क्या कर सकती हूँ दीपिका? थोड़ी देर रुक जाते हैं, आ जाएगा देव। वर्मा जी, बाकियों को तो कर लेने दीजिए, नहीं तो पता चला चांद फिर से बादल में छुप गया। राधिका, एक काम करो, तुम बिना देव को देखे ही पूजा कर लो, काफी सारे लोग ऐसा भी करते हैं। चांद फिर से छुप जाने वाला था, मैं डर रही थी कहीं आप समय पर ना आते तो। कैसे नहीं आता राधिका, आज मुझे कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सकती। तुमने दिन भर से उपवास जो रखा है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। आपने भी तो सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं।